हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश, और ये है दही वड़े, जो कि हर फेस्टिवल में बनती है और बहुत लोगों को ये खाना काफ़ी अच्छा लगता है और बनाने में भी ये काफ़ी इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दही वड़ा बनाना। इसके लिए मैंने ये मूँग दाल ले ली थी और ये मूँग दाल को मैंने 4 से 5 घंटा भिगो के रख दिया था। और अगर आपको जल्दी है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटा इसको गर्म पानी में रखिए, ये आपके भीग के रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट। इसको ग्राइंडर में डाल के हम बना लेंगे। देखिए, मैंने इसका एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है और अब आपको इसको फेंटना है। मीन्स आप एक चम्मच ले लीजिए कोई भी, और इससे आपको इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। आप इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको इसलिए फेंटते हैं क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाए और ये काफ़ी फ्लफी बन जाए, और अगर आप इसको उल्टे डायरेक्शन में भी घुमाते हैं तो इसकी हवा निकल जाती है। तो आप इसको एक ही डायरेक्शन में इसको 5 मिनट तक घुमाते रहिए। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं, पहले से लाइट हो चुका है और ये काफ़ी फ्लफी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड करिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें हींग ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। धनिया और हींग डालने से जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। और हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। आप जितने अच्छे से इसको फेटेंगे उतने ही अच्छे फ्लफी आपके जो वड़े हैं वो बनके रेडी होंगे। तो हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसको तल लेते हैं। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे वड़े ऐड कर देंगे। देखिए मैं इसको किस तरह से डाल रही हूँ। 1 बाय 1 आप इसी तरह से सारे वड़े ऐड कर लीजिए, और वड़े का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। और इसी तरह से आप सारे वड़े इसमें ऐड कर लीजिए, और अभी तलने के बाद ये थोड़ा और फूल जाएंगे। देखिए, इनका जो साइज़ था थोड़ा सा फूल चुका है। अब हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। उससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए, इसी तरह से हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है, काफ़ी जल्दी ये सीख जाते हैं। देखिए, इनका जो कलर था चेंज हो चुका है, पहले से इसका जो कलर था काफ़ी चेंज है। मैं इसको लो फ्लेम में सेक रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और अगर आप लोग चाहें तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जो इसका कलर था देखिए चेंज हो चुका है, अब मैं इसको सारे वड़े निकाल लूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर हमारे वड़ों का आया हुआ है। तो हमारे वड़े बनके रेडी हैं। तो अब हम करते हैं इसकी दूसरी तैयारी। मैंने एक पतीला ले लिया है, इस पर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप पानी को गुनगुना रखिए, ज़्यादा गर्म भी आपको नहीं करना है। और उसके बाद हम सारे वड़े इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है इस पर निकल जाए, और जो हमारे बड़े हैं वो पानी सोख लेंगे तो वो काफ़ी फ्लफी और काफ़ी सॉफ्ट बन जाएंगे। तो आप इसको गुनगुने पानी में 10 मिनट तक साइड में रख दीजिए। तो मैं इसको 10 मिनट तक इसी तरह से पानी में छोड़ दूंगी, इससे ये पानी पी लेंगे और काफ़ी सॉफ्ट बन जाएंगे। तो जब तक हमारे बड़े बन रहे हैं तब तक हम इसकी दही की तैयारी कर लेते हैं। मैंने कुछ दही ले लिया है, और ये फ्रेश दही मैंने लिया हुआ है, और आप चाहें तो दही को हल्का सा खट्टा भी ले सकते हैं।
बट ये मैंने हल्का खट्टा लिया हुआ है। और देखिए अब मैं इसको भी फेंट लूँगी और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी। तो मैंने एक कटोरी छोटी कटोरी से चीनी डाल दी है और चीनी को आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। और इसको इसी तरह से फेंटते हुए इसको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने तक इसको फेंट लेंगे। ये देखिए मैंने इसको 3 मिनट तक इसी तरह से फेंटा तो इसका जो देखिए आप कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है और हमारी दही जो है बहुत अच्छे से फिट चुकी है। और जो हमारे बड़े थे वो 10 मिनट के बाद वो भी काफ़ी फूल गए हैं। देखिए पहले से इसका जो साइज़ था काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम इसको दोनों हथेलियों में दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है, कितने सॉफ्ट ये बन गए। तो इसी तरह से सारे बड़ों का पानी मैं हथेलियों में दबा के निकाल लूँगी। तो बड़े रेडी है, दही भी हमारी रेडी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्लेटिंग। मैंने बड़े इसमें डाल दिए हैं और उसके ऊपर हम डाल देंगे दही। तो आप जितने बड़े चाहे उतने डाल सकते हैं और उसके ऊपर से हम दही डालेंगे। और दही हम ढेर सारा डालेंगे क्योंकि इसका नाम ही दही वड़ा है तो इसका टेस्ट जो है दही के साथ खाने में ही आता है। तो मैंने दही डाला और ये थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूंगी चाट मसाला। देखिए चाट मसाला डाल दिया और हल्का सा हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे और उसके बाद ये रेड चिल्ली पाउडर मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी। ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, इसका तीखा ज़्यादा नहीं होगा बट कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए धनिया पत्ते डाल दूंगी। तो देखा आपने कितनी ईजी रेसिपी है। सिर्फ तीन चार चीज़ों से हमारे जो टेस्टी और यम्मी हेल्दी दही बड़े हैं वो बनके रेडी हैं और बच्चे इसको खाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए अपने घर में अपने बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी दही बड़े। और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और आप लोग हर त्यौहार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय।